ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय घर में कोई है या नहीं? मेरी बात कोई सुन रहा है या नहीं? अरे कोई तो बताओ। क्या हुआ दादाजी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक काम था, पैर फंस गया है, निकाल लो। संभाल के। बाप रे, तोड़ ही देगा क्या? उठिए। इस उम्र में गाना गा रहे हो? इस उम्र में चुपचाप रहना चाहिए और आप है कि एक्सरसाइज योगा करके पैर फंस गया हाथ फंस गया करके मुझे परेशान करते रहते हो। ये सब क्या हो रहा है? इसको बोल रहे हो ना? आप चुप रहो। क्यों रे, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता क्या? हैं? चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अरे रुक 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 रुक। मम्मी हमें भी दो ना। तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? एग्जाम में तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं, 6 और 7, और मैथ में 0। आजकल तुम लोग खेलकूद में बहुत ध्यान देते हो, एक वक्त खाना नहीं मिलेगा तो कल ठिकाने आ जाएगी। इनके मार्क्स कम आए हैं इसलिए खाना नहीं मिलेगा, है ना मम्मी? हाँ, यही समझ लो। मम्मी जो आप देख रही हैं 1 नंबर 7 नंबर ये मार्कशीट इन दोनों की नहीं, ये मार्कशीट तो पापा की है जो कम मार्क्स है। पापा ने इसे छुपा के रखा था। मैं कुछ ढूंढ रही थी तो पापा की मार्कशीट मिल गई और मैं इधर ले आई। इन दोनों की मार्कशीट ये रही, रवि 70%, मीना 80%। आज से पापा को खाना देना बंद कर दो, सही है ना? है ना दादाजी? सही है। 6 मार्क्स और 7 मार्क्स लेकर उसने मुझसे छुपाया, चोर कहीं का। अब आने दो उसे, उसकी खबर लेता हूँ, उसे पूछता हूँ कि क्या बात है। मार्क्स के बारे में बातचीत हो रही है क्या? कुछ नहीं है, हमारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है, मीना को 80% और रवि को 70% मार्क्स आए हैं। ये क्या है 60%, 70%? मैं जब पढ़ता था तब मुझे 90% से कम मार्क्स नहीं आते थे। और मैथ में तो 100 में 100 मार्क्स आता था। आगे और मेहनत करके मेरी तरह अच्छी तरह से मार्क्स लाना, समझा? वो हाथ में मोच है ना इसलिए। नमस्ते साहब। साहब
उसकी गाड़ी से आगे मेरी गाड़ी निकलनी चाहिए, समझा? तेज चलाओ। वो गाड़ी ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। ओवरटेक करो इडियट, जल्दी चलाओ, तेज चलाओ। वो आगे निकल गया। सुनो, तुम क्या करोगे कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे हारना नहीं चाहता। उसको जिता दिया ना? सर। नमस्ते सर। क्या बात है? जरा आप ये बताइए ना एड्रेस कहाँ है। नंबर 17 गांधीनगर स्टीफन है सर। तेरी इतनी हिम्मत की उसका एड्रेस तो मुझसे पूछ रहा है? कहाँ चाटा मारा था? यहाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा एड्रेस उससे पूछने की? फूल काटे कुछ नहीं चाहिए, चल निकल। चलो। क्यों बहन, एक हिंदू है एक क्रिश्चियन है, इसलिए लड़ते हैं? अरे वो बात नहीं है, पहले इन दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती थी, दोनों घर वालों में बहुत अच्छा संबंध था, हमेशा साथ में रहते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे, साथ खेलते थे। हर खेल साथ में खेला करते थे, इस तरह दोनों परिवार वाले हमेशा एक साथ रहते थे। वासुदेव की एक बहन थी, उसका नाम जानवी था। भैया मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। कार से जा रही हो ना? बाजू में तो है, मैं पैदल चली जाऊंगी। जल्दी आ जाना। और यहाँ वो बुजुर्ग रहते हैं ना स्टीफन, उनका एक लड़का था रॉबर्ट। रॉबर्ट मोजेस का भाई था। ए, तुम दोनों में किस बात के लिए झगड़ा चल रहा है? मैं इतना अच्छा पियानो बजा रहा हूँ लेकिन इनको पसंद नहीं। अरे ये हमेशा से ऐसा है, डिस्करेज बातें ही करता है, इनकरेज नहीं कर सकता क्या? तू पियानो बहुत अच्छी तरह से बजाता है, मेरी तरह। आप पियानो? आपको पियानो बजाते तो मैंने कभी देखा नहीं। पियानो लिखा हुआ, उसे पढ़ते हैं बस। जानती हो रॉबर्ट और जानवी ने क्या किया? उनके घर में दोनों के पिताजी एक साथ खेलते थे, दोनों की माँ भी एक दूसरे के साथ खेलती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम दोनों भी एक दूसरे के साथ खेलने लगे। कुछ समझी नहीं। क्या नहीं समझी, वो प्यार करने लगे थे। फिर क्या हुआ? और क्या होना था, उन दोनों के प्यार की बात उनके घर वालों को पता चल गई। दोनों के घर वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन उन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों शादी करके गांव छोड़कर भाग गए। आज 25 साल हो गए लेकिन अब तक उनके बारे में कोई खबर नहीं। उन दोनों की शादी तो हो गई लेकिन दो परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चल उठा। पोस्टमैन। पोस्टमैन। मेरे लिए है क्या? हाँ सर।
किसने भेजा है? राजा मद्रास। राजा? किसका लेटर आया है? जानवी के लड़के का लेटर है। कौन जानवी? अरे वही तुम्हारी बहन जानवी। प्यारे दादाजी, दादी जी और मामा, सबको मेरा नमस्कार। मैं खुशी से हूँ और आप लोग भी खुशी से होंगे। मैं कल आ रहा हूँ। आपका पोता 25 साल पहले प्यार करके शादी करने वाले रॉबर्ट और जानवी का इकलौता बेटा राजा। कौन आ रहा है माँ? तुम्हारा मामा आ रहा है बेटा। मामा? कैसा मामा? जिस दिन वो उस क्रिश्चियन लड़के के साथ भाग गई, उस दिन से उसके इस घर से सारे रिश्ते खत्म हो गए। हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो उसका बेटा हमारा रिश्तेदार कैसे हुआ? हा? सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर किसी ने उसको इस घर में लाने की कोशिश की तो मैं उसको घर से बाहर कर दूंगा। ये बात समझ लो, कोई रिश्ता नहीं रखेगा उससे। ए, पोता कैसा पोता, उसकी परछाई भी इस घर में नहीं पड़नी चाहिए। देख रही हो ना वो किस तरह की बात कर रहा है? दादी वहां पर है। हा? मुझे उसके पास ले चल। एक बात बता, इस घर में कौन बड़ा है? वो मुझसे बड़ा है या मैं उससे बड़ा हूँ? किसको इस घर में रखना है या नहीं रखना है, उसका फैसला करने वाला वो कौन होता है? सुनो, इस घर में कोई भी फैसला लेगा तो मैं लूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि मद्रास वाले लड़के को नहीं आने दिया जाए। हाँ, समझा क्या? आप क्या सोच रही हो दादी? वो क्या है ना, वो आएगा लेकिन किसके यहाँ आएगा ये नहीं लिखा। जानने वाले जाहिलो। म्यूजिक के बारे में हमें दोस्त अपना एक गाना सुना दो। ये ले। 5 रुपए ज्यादा दे दीजिए सर। किस लिए? आपको छोड़ के अकेले जाना पड़ेगा ना। अकेले जाना पड़ेगा तो क्या मैं तेरे साथ किसी लड़के को भेजूं? चल निकल यहाँ से। नमस्ते। ए, चल। दादाजी, दादाजी, यहाँ कोई भाड़े का घर मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आपको कोई भाड़े पे नहीं देगा सर। क्यों? बस ऐसा ही। यहाँ किसी की नजर सही नहीं है, इनको दूसरी तरह से पटाना पड़ेगा। चलो। क्यों भाई?
आप खुश तो हो ना? मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम कौन? क्या भाई, इतनी जल्दी भूल गए आप? पिछले ही हफ्ते तिरुपति में हम दोनों ने साथ साथ लड्डू खाए थे। तिरुपति में? हाँ। तिरुपति तो मैं कभी गया ही नहीं यार। आप कभी तिरुपति नहीं गए? वो आप नहीं थे? फिर तिरुपति में मेरे साथ लड्डू खाकर बातें करने वाला कौन था? लगता है कोई और होगा। है, खैर छोड़ो, अपनी बात पर ध्यान देते हैं। एक बात बताओ, इस गली में तुम्हारी नजरों में हम दोनों के लिए घर भाड़े पे मिलेगा क्या? नहीं, तुम दोनों को नहीं मिलेगा। हमें क्यों नहीं मिलेगा? Come on, tell me. अरे भगवान, अरे अरे, मैंने तो ऐसे ही दोस्त समझकर पकड़ लिया था, बस और कुछ नहीं। क्यों दोस्त, हमें घर भाड़े पे नहीं मिलेगा? सुनो भाई, आप उन दोनों घर वालों के पोते हैं ना? जी हाँ। कल ही तुम्हारे मामा और चाचा ने तुम लोगों की फोटो हमको दिखाई थी। सबको बोल दिया है कि कोई घर अपना भाड़े पर नहीं दे। चुपचाप आप दोनों अपने गाँव चले जाओ। दूल है। चल बात। अच्छी तरह से सुन लीजिए, जब तक आप लोग मुझे अपने घर का सदस्य नहीं मानते, तब तक मैं इसी गांव में रहूंगा और इसी एरिया में भी रहूंगा। हाँ, सुन रहे हैं ना? बताते हैं दादी, वो राजा सामने वाले घर के दरवाजे पर बैठा है। बहू सुनो तो, मैं टेरेस पर जाकर मिर्ची सुखा कर आती हूँ। क्या देख रही हो? वो पेपर वाला आया कि नहीं वो देख रही हूं। अरे वो तो रोज सुबह सुबह आ जाता है। तुम्हें अपना खुद का नाम पढ़ने के लिए एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन पेपर पढ़ने से जनरल नॉलेज तुम्हारा बढ़ गया है क्या? जाओ, पेपर नीचे रखा है। वहाँ क्या देख रहे हो? तुम जिस पेपर वाले को देख रही थी, मैं भी उसी को ही देख रहा था। देख लिया ना? ठीक है, तो चलो अब। दरवाजा बंद है कि नहीं देखने गया। अगर कोई भी नहीं माना तो हम क्या करेंगे? अरे क्या भजिया मस्त है यार। अरे अभी तक क्या तू बैठी है? 8 बज गए। क्या 8 बज गए? अरे सुनो, 8 बज गए। चलो 8 बज गए। वो चलने वाले 8 बज गए। 8 बज गए। चलो 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 चलो। ए 8 बज गए, भागो भागो। आप छोड़ दो, मुझे जाने दो। आप लोग भाग क्यों रहे हो? गांव में वीर प्रताप नाम का एक आदमी है, जैसे ही रात को 8 बजते हो गाना गाता है। उसका गाना सुनकर लोग बेहोश हो जाते हैं, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो अपने घर। इस गांव को एक आदमी अपने गाने से डराता है? वो कैसा गाता होगा?
उठो भाई उठो। मेरे गाने को इतना पसंद करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने भी कभी नहीं सोचा था। वाह वाह, कितना मधुर संगीत है, कितना सुरीला गाना है। बाजू के घर में जो टीवी में गाना आ रहा है तुझे कैसे पता चल गया? सर, मैंने आज तक आपके जैसा संगीत का ऐसा जानकर कभी नहीं देखा। सर, आपके अंदर इतनी कला है, इसके बावजूद आप इस छोटे से गांव में रह रहे हैं। तुम दोनों ने मेरे टैलेंट को पहचाना है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हो कौन? देखिए मिस्टर संगीत विशारद जी, इस एरिया में भाड़े पर एक घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसी ने हमें भाव नहीं दिया। ठीक है, हम गांव छोड़कर जा ही रहे थे और एक जोरदार आवाज, एक मधुर गाने की आवाज सुनाई दी, इसलिए यहाँ पर आ गए। क्या तुम लोगों को घर नहीं दिया? संगीत विशारद जी, कौन है वो? मैं देखता हूँ उसे। चलो मेरे साथ, अपना काम बन गया। किसने मेरे शिष्यों को भाड़े पर घर देने से इनकार किया? तुम लोग घर नहीं दोगे ना, मैं उन्हें अपना घर दूंगा। आज से दोनों मेरे घर में रहेंगे। ए भाई, तुम लोग अपना सामान लेकर अंदर चलो। है? थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा। साहब जी, राजा आ रहा है। वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये मिठाई लीजिए। ए, पोता कैसा पोता, उसकी परछाई भी इस घर में नहीं पड़नी चाहिए। पापा, 12 बजे मिस्त्री आएगा तो उसे पैसे दे देना। बेटा दोपहर में खाना खाने आएगा ना? नहीं माँ, मैं दोपहर में खाना खा लूंगा। कहाँ खाएगा बेटा? आज मेरा जन्मदिन है, आप सबको मिठाई खिलाकर आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मिठाई लीजिए। जा करो, शीशी ले आओ। क्या क्या कहा? आज जन्मदिन है। कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र। और राशि? ऋषभ राश। थोड़ा रुको, अंदर लाने के लिए भेजा है। ठीक है। ये क्या है पता है? जहर। तेरे हाथों से मिठाई खाना और ये दोनों बराबर है। खाऊं क्या? छे। बेचारा दुखी होकर जा रहा है। सुनिए जी, आप अपने पोते को बुलाइए और आशीर्वाद दे दीजिए ना। आने जाने वालों को आशीर्वाद देना मेरा काम है क्या? चल अंदर। वो हमारा पोता। उसने पैसा मांगा था या जायदाद मांगी थी? है, इस घर में कोई भी अच्छा नहीं है, ना पति अच्छा है ना बेटा अच्छा है। हाँ क्या हुआ?
हाँ बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पीछे के दरवाजे से जाकर अपने पोते के नाम की पूजा करवा कर आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। आज मेरे पोते का जन्मदिन है, उसके नाम से पूजा करनी है। नाम राजा है और नक्षत्र रोहिणी है। पूजा भगवान अर्चना। माथे पर पसीना है, पोंछ लो उसे। वो क्या है कि आज मेरे पोते का जन्मदिन है, वो हमेशा खुश रहे, ये प्रार्थना करो भगवान से। ये लीजिए। मुझे भी? तुम्हारी माँ ठीक है ना? वो ठीक है। तू बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही है। कान नाक मेरी बच्ची जाह्नवी के जैसा ही है। सही कहा। और खा लो बेटा। ले बेटा। आ आ आ। बस बस। ये सब मुझे तुझे खिलाने चाहिए। आ, बस बस बस। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बताइए। बैंगलोर में हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, उससे उससे तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। मेरी शादी करवानी है? हाँ मैंने बहुत सोचा, फिर आखिर में बस यही एक रास्ता दिख रहा है। हिंदू लड़की से शादी करने के कारण तुम्हारे डैडी से सारे घर वाले आज तक नाराज हैं। अगर तू क्रिश्चियन लड़की से शादी करेगा तो लड़का अपने घर का है तो ये सोचकर तुम्हारे चाचा घर में शामिल कर लेंगे। इस शादी के बारे में जॉनसन से बात करूं क्या? एक मिनट दादी। भौंकना मत कर, पत्थर से मारूंगा। दादी, दादाजी। अरे बाप रे, वो बुढ़ा मुझे यहाँ देख लेगा तो चिल्लाने लगेगा। गोपी प्लीज डोंट टेल हिम, मैं पीछे से चली जाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। राजा शादी हाँ। के बाद याद रखना। हाँ। जा, जा। हाँ ये दादाजी, आप आएंगे मैं जानता था। मैं खुद नहीं आया, कुत्तों के कारण आया हूँ। कहाँ, कुत्ते तो नहीं दिख रहे हैं? लगता है चले गए होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, अंदर चलिए। तू बहुत बड़ा महाराजा है, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। दादाजी हाथ में क्या है? ये तेरे लिए है, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। नानी यहाँ पर? क्या बात है नानी? एक बात बता, उस बुढ़िया ने तेरे लिए लड़की देखी है ना, सुबह वीर सिंह ने बताया, ये सच है क्या? वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। सही कहा राजा, तू उनकी बात मत सुनना, मैंने तेरे लिए जस साहब केशव है ना, उनकी बेटी तेरे लिए पसंद की है। हाँ वैसे तू जानता है मेरी पोती की शादी तुझसे करवानी चाहिए, लेकिन तेरा मामा नहीं मानेगा। तेरी उससे शादी हो जाएगी तो तू हमारे घर में आ सकता है और सब तुझे अपना लेंगे। मेरा आइडिया कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। तो हाँ बोल दो राजा। एक मिनट नानी,
क्या बात है दादी? राजा, तुम उस पागल बुढ़िया से क्यों बात कर रहे थे? डोंट टॉक टू हर। मैं क्यों बात करूंगा दादी, वो खुद ही आकर मुझे पकड़ रही है। जाने दो बेटा, स्टुपिड लेडी। अच्छा बेटा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? एक्सक्यूज मी वन मिनट। ए, इधर आना। ये तो बड़ी मुसीबत है यार, इनकी पसंद की लड़की से शादी करूं तो इन्हें पसंद नहीं आएगा, और उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं तो ये नाराज हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अब कुछ तो बोलना। I'm a complaint boy. उसका इस बात से क्या संबंध? मैं बोलने को कहा इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, शादी को लेकर जबरदस्ती करे तो साधु बन जाऊंगा ऐसी धमकी दूं? जा जाकर बोल दे, तब भी वो ये दादी कहेगी कि हिंदू का साधु बनो और कृष्ण के फादर बनो, ये नानी बोलेगी। मंजूर है? आइडिया क्या है? तेरी शादी हो चुकी है ऐसा बोल दे। ए, अबे क्या बोल रहा है, मुझे तेरा ये आइडिया पसंद नहीं है, बाद में मुझे ही तकलीफ होगी। अभी इस मुसीबत से बचने के लिए तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है बोल दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। बुला उनको। नानी जरा यहाँ होगी? आ रही हूँ। वन मिनट। मैंने कहा उसी लड़की से ना, उसी लड़की से ना, जैसा आपकी बेटी से ना। वो क्या है कि? वो क्या बेटा? बात ये है कि क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदास बोल बेटा। मेरी पहले शादी हो चुकी है। ओह माय गॉड, तो शादी हो चुकी है? हाँ नानी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैं निम्मी नाम की लड़की से 3 साल से प्यार कर रहा था, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी, चर्च में या मंदिर में? रजिस्टर ऑफिस में। वो लड़की हिंदू है ना? वो लड़की क्रिश्चियन है ना? वो क्या है ना, वो हिंदू की तरह क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन की तरह हिंदू है। मैं समझी नहीं। हमें भी तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, वो क्या है ना, इसकी जो पत्नी है उसकी माँ क्रिश्चियन है और बाप हिंदू, आधी हिंदू आधी क्रिश्चियन, नाम भी क्या नाम है? निर्मला बैरी। एक बात बता, तेरी पत्नी अभी कहाँ है? क्या पता, रिसर्च करने गई है। वो क्या है, देशी गाने और विदेशी गानों पर हर जगह जाकर रिसर्च कर रही है, 1 महीने में वो आ जाएगी। सही कहा ना? सही कहा। तुम्हारी पत्नी दिखने में कैसे दिखती है, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। हम भी उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। योर वाइफ? अब इसकी पत्नी के बारे में और कुछ पूछा तो मैं इसका डाइवोर्स करवा दूंगा। इडियट। आप चलिए। क्यों रे, इन दोनों का डिवोर्स तू कैसे करवा सकता है? कुछ मत पूछिए, नहीं तो मैं आपका भी डाइवोर्स करवा दूंगा, समझ गए? हाँ। अच्छा गा रहा है। शाबाश। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाया, क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा शिष्य है। जू? थू, फटी हुई शर्ट सिल रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, मेरी हालत तो देखो। दोस्त, मैं अपने पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता था। तूने कभी बताया नहीं कि तेरे पिताजी डॉक्टर हैं? वो भी बनना चाहते थे। बेटा, तुम्हारे नाम से एक लेटर आया था, मैं देना भूल गई थी, ये लो। मेरे हाथ में साबुन लगा है, इसे दे दीजिए। ये लो।
किसका लेटर है? निर्मला मेरी, इसकी पत्नी का। ओहो, मेरी पत्नी का? ये मेरा ही आइडिया। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसका सबको यकीन होना चाहिए, इसलिए मैंने तेरी पत्नी के नाम से मैंने लेटर लिखा। ए, इसी लेटर से मैं सबको परेशान करता हूँ। लेटर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनो। मेरे प्रिय राजा, मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी निम्मी, मैं यहाँ खुश हूँ, और वहाँ आप और आपका जिगरी दोस्त गोपी दोनों खुश होंगे ना? राजा, आप जानते हैं इस दुनिया में अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है, लेकिन गोपी जैसा आदमी मिलता ही नहीं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो वो आपके साथ है। ये क्या है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बजाय इसकी तारीफ क्यों करती है? पिछली चिट्ठी में आपने वीर सिंह जी के गाने की तारीफ की थी, मुझे भी उनका गाना सुनना है। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं खुद अपने कानों से उनका गाना आकर सुनूंगी। अगली बार जब आप चिट्ठी भेजे तो साथ में उनके गानों की सीडी भी भेज देना, भूलना मत। सुना? और एक खास खबर है, हमारी प्यारी कुतिया जिमी को एक बच्चा हुआ है, उसका नाम क्या रखूं? जुबा पर आए ऐसा कोई नाम बताइए। शांति रख लो, आप मत बोलो। आपकी प्यारी स्वप्न सुंदरी निर्मला मैरी। बस यही एक काम बच गया है, गलती से बोल दिया कि तेरी पत्नी है, अपने आप को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। सब किस्मत का खेल है। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या आप ही मिस्टर वीर सिंह? हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम? भाई तुम्हारी पत्नी आई है। क्या, मेरी पत्नी? निर्मला ही आपकी पत्नी है ना, आपका इंतजार कर रही है। ए, चल। अबे चलना, मेरा हाथ फंस गया है। जल्दी आना। नहीं निकल रहा है। जल्दी आता है कि नहीं? ठीक है चल। ए भाई, ए भाई, अरे ए, ए, लेटर बॉक्स कहाँ लेके जा रहे हो? ए रुको, ए, ए लेटर बॉक्स, ए रुक जा, ए लेटर बॉक्स कहाँ लेके जा रहा है? क्या चाय डालेगा घर पे? ओ सरकारी डब्बा, ए रोक रोक, पीछा नहीं छोड़ूंगा सर। क्यों जी, मेरे अचानक आने से आपको शौक लगा? आपको शौक देने के लिए ही दो दिन पहले मैंने जो लेटर लिखा था उसमें भी मैंने ये नहीं लिखा सही था। सही है, हमने भी नहीं लिखा था। क्यों जी, आप इतने दुबले कैसे हो गए और थोड़े काले भी दिख रहे हैं? हाँ रे, इससे पहले तो ये बहुत गोरा था, अभी ये काला हो गया। तुम भी ना। क्यों भाई, पत्नी के साथ रोड पर ही बात करोगे या घर में भी बुलाओगे? आओ बेटी, चलो बेटी, पहले दायां पैर अंदर रखना। रुक जाओ। कौन हो तुम? हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है बताइए? एक पति अपनी पत्नी से ऐसा पूछता है क्या? क्या पत्नी? तुम कहां से मेरी पत्नी हो गई? तुमसे मेरी शादी कब हुई? क्यों भाई, क्या बोल रहे हो? ये कौन है मैं नहीं जानता, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्यों बेटी, वो कुछ और तुम कुछ बोल रही हो? एक महीना, सिर्फ एक ही महीना हुआ है और अलग होने की वजह से पत्नी नहीं हूँ बोलेंगे तो चलेगा क्या? ये कैसा आदमी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रही है, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? बात तो होगी जरूर, देखो कैसा आदमी अपनी बीवी को स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कुछ बोल रही है, ये कुछ बोल रही है। हाँ सही बात है। क्या ये भाई, भाई ये पोस्ट बॉक्स जरा निकाल देना,
सॉरी, यह मेरी ड्यूटी नहीं है। सरकार को लेटर लिखा है, वो आएंगे निकालने। अरे ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो ना, तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या सबूत है बताओ, इसे कोई गवाह है? आपको क्या सबूत चाहिए? ये देखिए, हमारी शादी के वक्त इन्होंने मुझे पहनाई हुई अंगूठी, ऐसी अंगूठी इनके उंगली में भी है। क्यों नहीं, ये देखो, दोनों अंगूठियां तो एक जैसी ही हैं। देख लिया ना, मैं एक और बात बताती हूँ, इनके दाएं कंधे पर एक मसा है। हाँ है। ये बिल्कुल सच है, तुम सही बोल रही हो। अब तो आप मेरी बात मानेंगे ना, इन्होंने कह दिया और आप भी मुझ पर शक करने लग गए। अब तक मैंने इनको पूछे बिना एक भी काम नहीं किया है। जानते हैं, एक कुत्ते के बच्चे का नाम रखने के लिए भी मैंने इनसे पूछा था। ये बात तो मैं जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ। मेरी बात तो अब इसके आगे तू बोला कि ये मेरी पत्नी नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। तुम अंदर चलो बेटी। चलो बेटी। सुनिए जी, वो लगेज अंदर ले आइए ना प्लीज। अब तो सच बोल, कौन है तू और यहाँ क्यों आई है? आपको क्या हो गया है, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं? सर पर चोट लगकर याददाश्त चली गई है क्या, या फिर तुम्हें यहाँ कोई और मिल गई है? गोपी भैया, सिस्टर, आप कितने अच्छे हैं। आप अच्छे दोस्त हैं, इसी भरोसे पर आपके साथ भेजा था। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप, इनको क्यों नहीं पूछते हैं? पूछता हूँ, क्यों ऐसी हरकतें करता है? मैं चलता हूँ, पति और पत्नी के झगड़े में मेरा क्या काम। अरे अबे तुझे चप्पल से मारूंगा, रुक साले, हम तुझे पति पत्नी नजर आ रहे, रुक। क्या देख रही हो? राजा की वाइफ को, वो गांव से आई हुई है, घर के बाहर रंगोली बना रही है। कैसी है? अभी नहीं देखा, वही तो कोशिश कर रही हूँ। अरे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है, मुझे बहुत काम। मुझे भी दो, मुझे भी दो। वो मेरी आवाज थी। डियर फ्रेंड्स, विदेशों में सनबाद बहुत फेमस है। बदन पर छोटा सा कपड़ा लपेट कर थोड़ी देर समंदर में और थोड़ी देर किनारे पर पड़े रहते हैं। उसके लिए साबुन की जरूरत नहीं, शैम्पू की भी जरूरत नहीं। विदेशियों की तरह मैं भी नहाने का नया तरीका बनाऊंगा, उसका नाम होगा खुलेआम नहाना, दैट मीन्स फ्रीडम बाथ। उसके लिए साबुन और शैम्पू की जरूरत नहीं। पानी की भी जरूरत नहीं क्या? नहीं, चड्डी की भी जरूरत नहीं। ना चड्डी की जरूरत, ना साबुन की जरूरत। क्या देख रहे हो?
ऐसे नहाने से दिल खुश हो जाता है, जवानी आ जाती है। शॉर्टकट में बोलूं तो हम सब अपने बचपन में चले जाएंगे। कम ऑन बेबी, स्टे आउट, कम ऑन आई से। दुम दुम दड़म दड़ैया रे, दड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, लड़ैया रे, हम तीनों। क्या देख रहे हो, तुम भी हमारी तरह नहाओ। मैं हमेशा से ऐसे नहाता हूँ। फिर इधर आ जाओ, हम लोगों के साथ नहाओ। पानी गरम क्यों लग रहा है? तूने पेशाब किया होगा, चुपचाप नहा, तुझे बुलाकर हम फंस गए। ए, अरे हमारे कपड़े कहाँ गए? हमने आते वक्त कपड़े पहने थे। अब हम घर कैसे जाएंगे? ए, मैंने पहले ही कहा था नहाने का और ऐसे ही जाने का, इसके बदले खुला हम नहाना है बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं। ए मुच्चल, ये तो बच्चा है, इससे गलती हो गई। लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सही कहा। क्या सही कहा, इस उम्र में भी बिना कपड़ों के नहाते हो? हैं? तुझे तो आइडिया फ्रीडम वॉक। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रीडम बात द्वारा मैं तुम लोगों को तुम्हारे बचपन में ले गया, ये तुम भूल नहीं सकोगे। अब मैं तुम लोगों को फ्रीडम वॉक का नया फंडा सिखाऊंगा। इसके द्वारा स्टोन एज वक्त में लेकर जाऊंगा, दैट मींस पुराने जमाने में ले जाऊंगा। इस हालत में हम घर कैसे जाएंगे? कोई देखेगा तो बेवकूफ समझेगा। कौन देखेगा भाई? ए, इस तरह जंगल के रास्ते से हम लोग गांव के बाहर जो मंडप है वहां तक जाएंगे, रात होते ही किसी की जानकारी के बिना घर चले जाएंगे, कैसा है? सुनो, मैं जो गाना गाता हूँ तुम भी मेरे साथ गाओ। कहाँ चला गया, यही तो रखा था। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने एक नया शर्ट आयन करके रखा था, दिख नहीं रहा है। क्या यही है? अरे पागल, तुझे पोछा मारने के लिए मेरा नया शर्ट मिला था। नया शर्ट है? मैंने सोचा मिर्ची सुखाने का कपड़ा है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक जा। छोड़ो मेरे तुझे। हेलो मिस्टर, ये दवा लेके आ जाओ। ठीक है। डोंट वरी, ये मामूली सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। ओके ओके डॉक्टर। Mm.
हिरन की तरह उछल कूद करने वाली लड़की को तुम लोगों ने उसे हमेशा के लिए बिठा दिया। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, अगर इसने अपने मुंह से कुछ बोला होता तो। क्या क्या क्या, क्या बोला होता क्या? हा? ज्यादा मत बोल, नहीं तो अंदर करवा दूंगा। ऐसा मत कहिए अंकल, अगर इनको अंदर करवाएंगे तो मैं खुशी से नहीं रह पाऊंगी। टीटी के बिना ट्रेन चल सकती है लेकिन पटरी के बिना ट्रेन नहीं चलती अंकल। अरे रे रे रे, सुना तुमने, ये है भारत की नारी, एक ही उदाहरण से हर कोई अच्छे से जान सके ऐसे बता दिया। अगर तुम लोगों ने इसे रुलाया तो मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। सुनो बेटी, अगर फिर कभी ये लोग तुम्हें डांटें या फिर सताएं तो एक बार अंकल कह के आवाज दे देना, मैंने टीपू सुल्तान की तलवार को धार करवा रखी है, दोनों को काट दूंगा। ठीक है अंकल। ए, जाओ उस लड़की को क्या चाहिए, क्या खाना है, जाओ पूछो जाकर। खड़ा क्या है, जाना? ठीक है रे। क्या बोला? अरे आपको नहीं बोला अंकल, अरे आ रहे जा रहे ये सब तो मैं इसको बोल रहा हूँ। संभल कर रहना। क्यों बुलाया है? एक बात बताओ, तुम इन कपड़ों को साबुन से धोओगे या सर्फ से धोओगे? दिखने में तो सब पॉलिस्टर के कपड़े लग रहे हैं, सर्फ से धोएंगे तो अच्छा रहेगा, सही है ना? हाँ करेक्ट। फिर तुम लोग जाकर एक सर्फ का पैकेट ले आओ, ये कपड़े धो डालो, ठीक है? हाँ, क्या क्या कहा, तुम्हारे कपड़े हम धोएंगे? तेरे हिम्मत कैसे हुई है? नो नो नो, ज्यादा चिल्ला के बात मत करो, अगर मैंने अंकल को बुला लिया तो अंकल पुलिस को बुलाएंगे। अंकल क्या हुआ बेटी, आऊं क्या? कुछ नहीं अंकल। क्या हुआ, सारी हवा निकल गई क्या? ये वाली पसंद है? नो, ये नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, कितने की है? नहीं मैडम, ये साड़ी उन्होंने सेलेक्ट की है। ये कोई साड़ी है, इसे तो कोई पागल ही पहनेगी। तो ये साड़ी इसके लिए सही रहेगी, इसी को दे दो। हेलो दादी। हाँ? गुड इवनिंग नानी। तू यहाँ क्यों आया? दाढ़ी बनवाने, साड़ी की दुकान में कोई क्यों आता है? हा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आप लोग खरीद लो, मैं बाद में मिल लेता हूँ। कितना हुआ? 675 रुपए मैडम। पता है, डिस्काउंट काट के कितना हुआ? सॉरी इस पर डिस्काउंट नहीं है, बोर्ड देखिए ना। क्यों दादी? हा? आपको डिस्काउंट मिलेगा? मैंने 800 रुपए की खरीदी है। जरा ये साड़ी दीजिए। क्यों राजा? अरे दो ना दादी। नानी जरा आपकी साड़ी दीजिए, जल्दी से दे दीजिए ना, इन दोनों साड़ियों का एक ही बिल बना दीजिए। क्यों दोनों की साड़ियाँ मिला रहा है? आप शांत रहो ना नानी। ये सब क्या है? अरे आप शांत रहो ना। क्या है? आपके पैसे दीजिए और आपके भी दीजिए, ये लीजिए। आप लोगों ने अलग अलग साड़ी तो ले ली लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिला, अब देखो 140 रुपया बच गया कि नहीं। ये लो, आपकी खरीदी हुई 800 रुपए की साड़ी का 10% डिस्काउंट 80 रुपया और आपकी खरीदी हुई 635 रुपए की साड़ी का 10% डिस्काउंट 63 रुपया 50 पैसा। थैंक यू। अब समझे, दो साड़ी साथ में खरीदो तो 140 रुपए बच गए, अगर आप दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे तो बहुत कुछ बचेगा। हाँ सोच कर देख लो।
क्यों रे? मेरे साथ नाटक करती है और अकेले में खेल खेलती रहती है। नहीं नहीं रोक भैया। अरे मेरी साइकिल। हेलो सिस्टर। ए मेरी साइकिल। अरे सिस्टर। अरे यार ये जिप तो लगा। सिस्टर बोल रहा है। तितली सी बिजली सी तू कमाल की है लड़की। ए लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या? दिखता नहीं है क्या? गाड़ी के नीचे आकर मरना है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली, मरना है तो कहीं और जाकर मर। इस लड़की की हिम्मत तो देख यार, पत्नी बनने का नाटक करके मुझे टॉर्चर कर रही है, पैर टूटने का नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रही है। जिस दिन से वो मेरी पत्नी बनकर उस घर में आई है उस दिन से मेरा चैन छीन गया है। तेरे लिए यही सजा सही है। और भी सहना पड़ेगा भाई। मैंने उसी दिन कहा था ना कुछ भी झूठ बोलना, लेकिन शादी हो गई है ऐसा झूठ मत बोलना। कितनी बार समझाया था? तूने ही तो बोला था ना। अरे भगवान। क्यों बे, ये आइडिया तूने दिया था और अब बात से पलट रहा है? एक और आइडिया है। क्या है? मुझे उठा। क्या है ना, वो पत्नी बनकर तुझे टॉर्चर कर रही है ना, तो तू भी उसका पति बन जा। क्या बात कर रहा है? जिंदगी में तूने पहली बार कोई अच्छा आइडिया दिया है। चने के झाड़ पे मत चढ़ा, मुझे पता है। ए, मैं भी आ रहा हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं? टोकरी भर के फूल घर में क्यों ले जा रहे हैं? मैं देख कर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा है, ये सब किस लिए? सुहागरात के लिए। किसकी सुहागरात है? हमारी। हमारी हमारी तो और क्या, शादी को 3 महीने हो गए अभी तक सुहागरात नहीं हुई। अभी तक सुहागरात नहीं हुई तभी तो तुम लोगों में इतना झगड़ा होता है। नहीं आंटी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, शादी के बाद सुहागरात मनाना जरूरी है। आपने सही कहा आंटी, इसे तैयार करके ले आइए जल्दी। चलो बेटी। चुप रहिए आंटी, आप कुछ नहीं जानती। इस वक्त तो अंकल। हम ये बात जानते थे इसलिए अंकल को हाफ पिलाकर सुला दिया है। आंटी। आंटी को फुल पिलाकर हाउसफुल हो जाए तो भी परवाह नहीं, ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्म देखने भेज दिया है। अरे देख क्या रही हो, इसे जल्दी से तैयार करो भाई। चलो बेटी। हाँ। चलो। शर्माओ मत बेटी, चलो। मैं जा रही हूँ बेटा, पता नहीं क्या होगा। दोस्त, विश यू हैप्पी फर्स्ट नाइट। या। ऐसे मत देखो मुझे, मेरे पास मत आना, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज ऐसे मत करो, मत करो। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारी पत्नी बनने का छोटा नाटक किया, ये बात मैं सब लोगों को साफ साफ बता दूंगी।
अब समझ गई ना, लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है। तूने पत्नी होने का नाटक किया, मैंने पति होने का नाटक किया होता तो तेरा क्या होता? बता, अब तो सच बता, तू मेरी पत्नी बनकर इस गांव में क्यों आई है? बताती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें बताना होगा, क्या तुम उन दोनों के पोते हो? रॉबर्ट और जानवी का बेटा बोलकर सबको बेवकूफ नहीं बनाया? ये तो क्या बोल रही है? मैं सही बोल रही हूँ। इस फोटो में कौन कौन है तुम इन्हें जानते हो? नहीं जानता। क्या इससे पहले इन्हें कभी देखा है? तुम जिनके बेटे होने का नाटक कर रहे हो, ये वही रॉबर्ट और जानवी हैं। ये सब कैसे जानते हो यही सोच रहे होगे ना? लव मैरिज करने वाले रॉबर्ट जानवी का कोई बेटा बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है और वो मैं हूँ। पच्चीस सालों से मेरे माँ बाप कहाँ हैं? हमारा परिवार कैसा है? मेरे दादा और नाना का परिवार नहीं जानता है, लेकिन उनके घर में रोज क्या क्या होता है वो हम सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? पूरा गांव मेरी माँ और पापा की शादी के खिलाफ था, उनको एक ही आदमी ने सपोर्ट किया था, वो थे वीर सिंह अंकल। हर हफ्ते हमारे घर में वीकली मैगजीन आए या ना आए, लेकिन अंकल का लेटर करेक्ट टाइम पर आता है। वो हमें लेटर लिखते हैं, ये पूरा गांव तो क्या उनकी पत्नी तक नहीं जानती है। तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारा गाया हुआ गाना, उस बारे में पूरी डिटेल्स हमें वीर सिंह अंकल ने दी। सुनो, मेरा उन दोनों परिवार से रिश्ता है, लेकिन मैंने उनको मिलाने की कभी नहीं सोची। तुम बाहर वाले होकर उन दोनों को क्यों मिलाना चाहते हो? उन दोनों परिवारों को मिलाकर तुम्हें क्या फायदा होगा? माँ पिता और रिश्तेदार कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं। यहाँ वहाँ मेहनत करके मैंने डिग्री हासिल की, जो भी काम मिला वो मैं करता गया, काम तो काम है। मेरे घर के पास एक लेडीज हॉस्टल था, उसमें हमेशा गाना मस्ती मजाक चलता रहता था। नहाने जा रहा है क्या? हाँ। ध्यान से, क्योंकि उस बाथरूम में कुंडी नहीं है। लड़कियां कुंडी लगाकर नहाती हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। हेलो। बाप रे, पागल कहीं का, जो छुपाना चाहिए उसके बजाय अपना चेहरा छुपा रहा है। क्या छुपाना चाहिए? हे भगवान, कुछ भी ट्यूनिंग नहीं बन रही है। दो दिन में प्रोग्राम है, अभी तक ना कोई लिरिक्स लिखे है ना कोई ट्यूनिंग बनी है। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए यहीं खड़ा रहूंगा। मेरी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। अंदर कोई नहा रहा है ये बाहर से ही पता चलना चाहिए। तो क्या दरवाजा खोल के ना आएगा? देखता जा मैं क्या करता हूँ। देखता हूँ।
वॉचमैन, हाँ? अभी कोई गाना गा रही थी, वो कौन थी आप जानते हो? लेडीज हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां आती हैं, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैडम। हाँ? पैसा देकर वसूली के लिए मुझे ही घूमना पड़ते। हम पठान का बच्चा तुझको छोड़ेगा नहीं, कहीं भी चुप जा। गलत गाना मत गा, 5,000 ब्याज पर लिया था। एक साल हो गया पैसे लिए हुए, ब्याज भी नहीं दिया और मुद्दल भी। ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे कैसे पैसे निकल लिए मैं जानता हूँ, हम पठान का बच्चा। सर्टिफिकेट से सेठ जी जानते ही, बीकॉम फर्स्ट क्लास पता है। सेठ जी, अरे सेठ जी सर्टिफिकेट दो ना, इसे क्यों ले जा रहे हो, दे दो ना, वापस दे दो ना। ए, मैंने अब तक तुम पर बहुत रहम किया, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे पैसे चाहिए, पैसा देना तब सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ। भाड़ा देने का पैसा नहीं है तो उधार लिया पैसा कहाँ से वापस करेंगे, पैसे नहीं दिए तो सेठ सर्टिफिकेट नहीं देगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इंटरव्यू में जा नहीं सकता, ये क्या मुसीबत है यार। नमस्ते भाई। आप कौन? यहाँ बैचलर को रहने के लिए रूम मिलेगा क्या? बेटे के लिए? मेरे लिए। क्यों भाई, हम दोनों तुझे ब्रोकर लग रहे हैं क्या, कि हम गले में बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं? क्या पूछ रहे थे सर? भाड़े पे कोई रूम मिलेगा क्या? टेरेस पे टेंट की तरह है, चलेगा क्या? चलेगा। वहाँ पहले से दो लोग रहते हैं, तुम वहाँ रह सकते हो क्या? रह सकता हूँ। ए, ए, एक मिनट इधर आ। वेट अ मिनट, आई विल कम। अरे बकरा मिल गया है, उसे काटना चाहिए, तू क्या बोलता है? ए? मेरी बात मान। इसे अपने साथ रखते हैं। नमस्ते भाई। इससे एडवांस लेकर सेठ को दे देते हैं। हर महीने इससे भाड़ा लेकर सेठ को दे देंगे। तू चुप रह, बाकी मैं सब संभाल लूंगा।
भाई आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, फिल्म की स्टोरी लिखने आया हूँ। अच्छी या फिर फ्लॉप फिल्म की? तुम बहुत नाटी हो। दोबारा इंग्लिश में बात की तो कैची साथ में रखता हूँ, काट दूंगा। महीने का 2500 भाड़ा, एडवांस 5000, मंजूर है? थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं। चले क्या? एक मिनट। यस। रूम में फैन है ना? फैन है, चलो मैं आगे चलता हूँ, सामान लेकर आता हूँ। आओ ये है तुम्हारा रूम, हाउ इज इट? ये तो खंडर है। तुम्हारी स्टोरी के लिए ठीक है, ठीक है ठीक है, एडवांस 5500 रुपए दे दो। आपने तो 2500 रुपए बोला था। भाड़ा तो उतना ही है, एडवांस 2500 और ब्रोकरेज 2500। 2500 की बात हुई थी, फिर 5500 कैसे? वो 500 रुपए तुम्हें घर दिखाने का। कोई बात नहीं, बेड है ना? उसके लिए अलग भाड़ा, दिन में सोना है तो 50 रुपया, रात में सोना है तो 100 रुपया, संडे को डबल। क्या करें, बेड पर सोने की आदत हो गई है, मजबूरी है। एक छोटी सी शर्त है, बेड पर थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ मैं सोऊंगा। क्या हुआ? रूम में फैन है बोल कर लाए थे, फैन कहाँ है? मैं शाहरुख का फैन, ये सलमान का फैन, इस घर का मालिक हमारा फैन है, यहाँ बहुत सारे फैन है, कम ऑन। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। दुकान बंद होने से पहले सेठ से सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे यार। बस भी नहीं आ रही है। गाना सुनने के चक्कर में सेठ से मिलना भूल गए। इसमें तेरी गलती नहीं है भाई। के कारण मुझे अवार्ड मिला है, उसके लिए धन्यवाद। ए, सर्टिफिकेट है, यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, तुझे पढ़कर भी समझ में नहीं आया? ए, समझ गया। राइटर सर, राइटर सर, प्यार से उठाने पर नहीं उठेगा। ए बेवकूफ राइटर, कौन है? तुझसे अपनी फिल्म की कहानी लिखवाने के लिए रेश चोपड़ा खुद आए हैं। सीनों पे रहता है हीरो और हीरोइन। सर ये सर्टिफिकेट यहाँ कौन लाया? उस होस्टल में एक नंदिनी रहती है ना, उसको वॉचमैन देकर गया है। हेलो मैडम, आपका शुक्रिया सेठ से सर्टिफिकेट वापस लाने के लिए। मैं आपको थैंक्स बोलने आई हूँ, आपका गाना गा के मैंने प्राइज जीता है। अरे मैं तो वो गाना बाथरूम में गाता था और आपने उसे स्टेज पर गा दिया, इसलिए मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को थैंक्स बोलते रहेंगे तो वक्त निकल जाएगा। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। मैडम आप नीचे आ सकती हो? क्यों? प्लीज। सर्टिफिकेट के लिए सेठ जी को जो पैसे दिए थे वो आप ले लीजिए। कोई बात नहीं, रहने दो, अपने पास रखो। नहीं नहीं, उधारी दोस्ती खत्म कर देती है, सेठ से अगर संबंध खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे नहीं। ये बात है तो मैं ले लेती हूँ। बाय बाय।
की बात है तो ले लेती हूँ। हे भगवान, ये क्या अच्छी बात है, मेरे पास फर्स्ट क्लास डिग्री है लेकिन आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाई? अनपढ़ गवार भी मुझसे ज्यादा कमाते हैं, ये चश्मे वाला भी बैंक में काम करता है और मेरे पास काम नहीं। भगवान जी, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, अर्जेंटली मुझे काम दिला दीजिए, काम मिलने के एक महीने बाद मेरी शादी करवा देना। भगवान, ये शादी का मामला है, एक रिक्वेस्ट है, बाजू वाले हॉस्टल में एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, जाने अनजाने में उससे प्यार करने लगा हूँ, कैसे भी उस लड़की के साथ शादी करवा दीजिए प्लीज, इसके बाद कोई शिकायत लेकर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ओनली थैंक्स एंड धन्यवाद, चलता हूँ। प्रसाद ले लो, ये लो भाई, ये लो, आप सब भी लो। क्यों रे, अभी तक तेरी ड्रीम गर्ल का दरवाजा नहीं खुला है? नहीं खुला। तू दिन रात उसके सपने देखता रहता है, अपने प्यार के बारे में उसे बताया? जल्दी बता दे यार, हॉस्टल है, एग्जाम खत्म होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कल से ज्वाइन कर लो। तुझे काम मिल गया, इस खुशी में तू पार्टी दे रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दो अंडा डोसा, मटन कोरमा दो, दो आमलेट, कलेजी दो प्लेट। सब दो दो बोल रहे हो भाई, तुमको भूख नहीं है क्या? ये सब हमारे लिए, तुम्हारे लिए चाय और पाव का ऑर्डर दिया है। हाँ ठीक है। राजा का नाम लेकर एंजॉय करो, तेरे लिए ये काफी है। हेलो। मुझे नौकरी मिल गई। सचमुच? मैं तुमसे मिलने हॉस्टल आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मेरे फ्रेंड की शादी में गई थी। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग इसे नौकरी मिलने की खुशी में हम लोग पार्टी मना रहे हैं। मुझे पार्टी नहीं दोगे क्या? मुझे एक तारीख को पगार मिलने दो, एक बड़े होटल में पार्टी करेंगे। बड़े होटल में क्यों? तुम यहाँ खा सकते हो, मैं यहाँ नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, मेरे लिए भी ऑर्डर दे दो। हाँ, एक और खास बात है, कल मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तुम्हें वहाँ आना है। तुम्हारा बर्थडे है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त का बर्थडे मैं क्या करूँगा, वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। कितने भी बड़े लोग आए लेकिन मेरे लिए तो तुम ही चीफ गेस्ट हो। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कल शाम को तुम अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में आओगे, ओके? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सर पैसे? कितने हुए? 400 रुपए। क्या? 500 रुपए दे। टेक इट। बाकी के पैसे नहीं चाहिए? बाकी के 100 रुपए टिप समझ कर रख ले। कितने भी बड़े लोग आए लेकिन मेरे लिए तो तुम ही चीफ गेस्ट हो। हेलो। एक मिनट,
एक खास इंसान से आज तुम्हें मिलवाती हूँ। दोस्त यही सही मौका है, आज आई लव यू बोल दे। ए, चुप बैठना, वो बिजी है ना, फिर कभी बोलूंगा। लॉरेंस एक मिनट सुनना। एक्सक्यूज मी। मैं जिनकी बात कर रही थी वो ये है, मिस्टर लॉरेंस। नाइस मीटिंग यू। हेलो हेलो लॉरेंस, टाइम हो गया। एक्सक्यूज मी। कैसा लगा, स्मार्ट है ना? हम दोनों शादी करने वाले हैं। हेलो। तुम मेरी मदद करोगे? क्या बात है, बताओ ना। कल सुबह हम दोनों रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। इनकी तरफ से तो बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरी तरफ से तुम गवाह बनकर आ सकते हो क्या? ठीक है। तुम कल सुबह रजिस्टर ऑफिस आ जाओगे ना? थैंक यू। ओके बाय। बाय। एक मिनट हाँ। मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगी ना? कोई बात नहीं, बोलो। मेरे माँ बाप तो है नहीं और मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन आपके तो है ना। घर वालों के आशीर्वाद से शादी तो हो सकती है, फिर आप लोग ये रजिस्टर मैरिज क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बात मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली में 25 साल पहले इनके चाचा और मेरी बुआ की लव मैरिज होने के कारण दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई। अब तो तुम समझ गए ना हमारे परिवार के लोग कैसे हैं? तो तुम दोनों की शादी के लिए तुम दोनों के परिवार का एक होना जरूरी है, यही बात है ना? हम दोनों का परिवार इतनी आसानी से एक नहीं हो सकता। मैं समझ गया, उन्हें मैं मिला दूंगा। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के आशीर्वाद से ही तुम्हारी शादी होगी, यह मैं वादा करता हूं। भरोसा करो प्लीज। अब हम चलते हैं। थैंक्स। ए रुक तो जरा, ये करने की क्या जरूरत है? वो लड़की तुझे नहीं मिल रही है, वो कैसे भी शादी करे तुझे क्या? उनका परिवार एक होना चाहिए, फिर शादी होनी चाहिए, ये करने की क्या जरूरत है? मैं उससे शादी करके खुशी से जीवन बिताना चाहता था, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक वो उससे शादी करना चाहती है, मेरी खुशी भी इसी में है। प्यार करने वालों को मिलाने के लिए
कोई रिश्तेदार मदद करता है या फिर उनके खास दोस्त मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तुम प्यार करने वाले ही प्यार करने वालों को मिला रहे हो। ये मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम अपने काम में सफल हो, मैं ऐसी दुआ करती हूँ, या फिर तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें हिम्मत दूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात है, इतने दिनों तक लव एक इन्फेक्ट जॉन है ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन तुम्हें देखकर सिर्फ तुम्हारी ही नहीं प्यार की भी इज्जत करने लगी हूँ। आपका काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम उनके पोते नहीं हो। मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी। अच्छा हा? तो तुम उनके पोते नहीं हो, नाटक कर रहे हैं। मैं अभी जाकर तुम्हारे बारे में सबको बता देता हूँ। तेरा नाटक नहीं चलेगा। रुक जा। सबको बताऊंगा। अरे रुक जा। अरे रुक जा। नहीं मैं रुक जा। अरे वो एक लड़की का हाथ पकड़ के भाग रहा है, पकड़ो। अरे वो लड़की की इज्जत लूट के भाग रहा है। अरे रुक जा रे। अरे कितना भागेगा? रुक जा। अरे कितना भागेगा? डरने की कोई बात नहीं है, 3 महीने तक बात नहीं कर सकता है, उसके बाद ये धीरे धीरे बोलने लगेगा। मेरे लिए इतना काफी है डॉक्टर साहब। इस हालत में शराब मांग रहा है डॉक्टर? क्वार्टर चाहिए, फुल पीना जरूरी है क्या? अरे देखिए डॉक्टर। नो, इस हालत में तुम्हें ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। कोई भी ड्रिंक नहीं पी सकते। कोई बंदर को लेकर वॉकिंग पर जाता है क्या? ए लड़की, ये बंदर नहीं है, कुत्ता है, अच्छी तरह से देख। ये कुत्ता है ये मैं जानती हूँ, लेकिन जो उसे ले जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ। ए सदा, ए! तुझे मजाक सूझ रहा है, पत्थर मारती है, सदा नाम से बुलाती है, लगता है तुम अपनी मान मर्यादा भूल गई हो। तुम मान मर्यादा की बात कर रहे हो? खुद की बेटी ने प्यार किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो तुम लव मैरिज एक्सेप्ट कर लो। कैसी बात करती है, पता नहीं अपना राजा इसे कैसे झेलता होगा। अगर तुम्हें कोई झेलता है तो मुझे कोई नहीं झेलेगा क्या? सुनो भाई, एक पैकेट 555 सिगरेट नहीं है, दूसरी दे दूं क्या? दूसरी सिगरेट? धुआं उसमें भी निकलता है ना। धुआं निकलता है और खांसी भी आएगी, फिर कैंसर भी होगा। तू जानता है ना मैं हमेशा फॉरेन की सिगरेट पीता हूँ। ओके ठीक है। ये तो फॉरेन में पैदा होकर फॉरेन में ही पले बड़े हैं, ऐसा सोचते हैं। कभी ना देखी होगी ऐसी पैंट और उसे पकड़ने के लिए एक बेल्ट। क्या है? लगता है तू घुमा फिरा कर मेरे बारे में बात कर रही है। घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बात कर रही हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें। मुझसे ऐसी बात करती है? हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ। छोटी होकर इज्जत से बात करना नहीं जानती? क्या कहा, इज्जत से बात कर, इज्जत से बात कर क्या? छोटी होना इसलिए मर्यादा की बात कर रहा था। तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? बेटे ने प्यार किया तो उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, इज्जत की बात करते हैं। ओल्ड मैन, चलती हूँ। दुकान वाले भैया, बीड़ी दे देना। तूने सुना क्या? सब सुन लिया। ये तू अपने पास रख। ऑटो, ऑटो। तुमने दोनों दादाओं से झगड़ा कर लिया? हाँ किया। इस तरह उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बोलने से ही वो लोग समझेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटी, वो लोग तुम्हारे लिए पूजनीय है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें ऐसा वर्ताव नहीं करना चाहिए था। सही कहा, अपना बुड्ढा सही कह रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं इतना आगे बढ़ा हूं तो कैसे जानती हो? बड़ों की इज्जत करके तुम चलो, बोतल तैयार है, पहले रम्मी खेलते हैं, 4 पैक पी के सो जाएंगे।
ए चलना। ए क्या हुआ दादाजी, स्कूटर खराब हो गई क्या? फिर क्या, इस उम्र में लड़की को धक्का मारूंगा क्या? सवाल पूछ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसा है, मुझे देखने दो। तुम एक बात जानते हो? कौन सी? पेट्रोल न होने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये पहले बोलना चाहिए था ना? तुम्हें पहले पूछना चाहिए था कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। यहाँ से पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर है, अब वहाँ जाओगे कैसे? ऐसे। ठीक है ठीक है, आप हट जाइए। स्कूटर स्टार्ट करने से पहले देखना चाहिए पेट्रोल है या नहीं। आइए ना, अभी से थक गए हो क्या? अभी बहुत दूर जाना है। ये तो सदाशिव नाना की गाड़ी है ना? ये क्या लैंप पोस्ट को गाड़ी से मार रहा है? तब तो जी ये एक्सीडेंट है। जल्दी जाकर देख। ये स्कूटी पकड़ना। नाना क्यों तंग कर रहा है? मैं कुछ सोच रहा हूँ। गाड़ी को क्या हुआ है? रिपेयर। रिपेयर करनी है? आप पोस्ट लैंप से कैसे टकराए? पोस्ट लैंप से टकराने के कारण ही रिपेयर करवानी है। पहले आप बाहर आइए। ये तो ठीक है। अब यहाँ से घर कैसे जाओगे? घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा मत बोल, ये सुनकर मुझे बहुत डर लगता है। एक मिनट नाना, मैं अभी आता हूँ। ये बाल गणेश क्या बोल रहा है? वो क्या बोलेंगे, गाड़ी रिपेयर करनी है, घर कैसे जाऊंगा यही बात कर रहे थे। एक और बात कही थी, बोलूंगा तो हंसोगे। नहीं हंसूंगा, बोल। वो नाना बोल रहे थे स्टीफन घर जा रहा है ना, तो वो मुझे घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता क्या? मैंने उनसे बोला कि आपकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा पता है? वो बोले कि मेरी गाड़ी में बहुत पेट्रोल है, जितना चाहे निकाल ले, मुझे ड्रॉप कर दे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा? हाँ? मैं भरोसा करूं? वो ऐसा नहीं बोलेगा। बोलने को मजबूर हो गए, वक्त की बात है, अगर आपने ड्रॉप नहीं किया ना तो वापस लैंप पोस्ट से टकराएगा। हाँ। अरे दादाजी 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। क्या बात है पूछ? वो बुड्ढा मेरे बारे में बोल रहा था क्या? वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, कुछ और बात कर रहे थे, हमें उसे क्या करना है। उसने क्या बोला बोल? वो दादाजी बोल रहे थे उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, किसी भी तरह मुझे 2 लीटर पेट्रोल दे दो, पेट्रोल दोगे तो वो उनकी स्कूटी में आपको घर तक ड्रॉप करेंगे, आपसे विनती कर रहे थे। वो ऐसा नहीं बोल सकता, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। क्या हुआ, वापस वही बात कर रहे हैं? अब क्या कहूँ, उनसे पेट्रोल लेकर उनको घर ड्रॉप कर देंगे ऐसा बोल दूं क्या, या फिर आपको जरूरत नहीं है ऐसा बोल दूं? हम उनकी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, वो हमारी गाड़ी में जा रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। तू बहुत होशियार है। खैर छोड़ो दादाजी, इनसे हमें क्या लेना देना है, मैं जाकर ना बोल देता हूँ। तू जवान लड़का है, हाथ पैर हिलाते पहुंच जाएगा, लेकिन मैं इसे कैसे ले जाऊंगा? मैं सोचता हूँ कि उसकी मदद कर ही दूं, सही ना? हाँ ठीक है। वो रो रहा है? रो रहे हैं। वो कुर्ते वाला खुद ही नीचे झुक गया है, और मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है, तू जानता है ना मैं जो कह रहा हूँ। क्या बोला? मैंने कहा कि मैं पूछ कर आता हूँ। क्या सोच रहे हो आप? आप उनकी स्कूटी में नहीं जा रहे हैं, हमारा पेट्रोल लेकर वो जा रहे हैं। ठीक है, वो रो रहा है और आंसू बह रहा है, बोल रहा है तो पुअर मैन, उसकी मदद हमें करनी ही होगी। हैं? हमने उससे मदद नहीं मांगी बल्कि उसने मांगी है। हम क्यों मांगेंगे? हमने मदद नहीं मांगी है। हाँ हम कभी मदद नहीं मांगेंगे, ये पूरा गांव जानता है। दे दो चाबी।
बैठिए ना। अरे बैठिए ना ना। कैसे बैठूं? ये क्या, तू नहीं आएगा? अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो गाड़ी कौन देखेगा? किसी मैकेनिक को भेजो, तब तक मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। राइट राइट। गाड़ी में पेट्रोल है ना, स्कूटी स्पीड नहीं पकड़ रही है। कर, पकड़ कर बैठो। हाँ, तुझे याद है ना, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तब हम दोनों साइकिल पर बैठकर ऐसे ही जाते थे ना? वो सब पुरानी बातें छोड़ो। ए रोक रोक, मैं यहीं उतर जाता हूँ। अगर हम दोनों के लड़कों में से किसी एक ने भी देख लिया तो दोनों तांडव करने लग जाएंगे। हाँ। कल हम पार्क में मिलेंगे, वहाँ कोई नहीं देखेगा। बाय बाय। हम लोग चोरी चुपके क्यों मिलेंगे? हम चोरी कर रहे हैं क्या? क्या है? सिस्टर, सिस्टर, सदाशिव साहब राजा आपका पोता नहीं है? इस पेपर पे क्या लिखा है? तुम्हें तमिल नहीं आती है? बोलना आता है, पढ़ना नहीं आता। अच्छा हुआ सिस्टर को तमिल नहीं आती, अगर वो पढ़ना जानती तो क्या होता है पता है? क्या हुआ? अब चुप रहो सिस्टर। क्यों रे, इस हालत में भी तू सिस्टर को लव लेटर लिखता है? लव लेटर? उसने क्या क्या लिखा है जानती हो सिस्टर? ये तुम्हारे पति को मारकर तुमसे शादी करके तुम्हें कहीं और ले जाएगा, ऐसा लिखा है सिस्टर। अरे बापी, मारो अच्छी तरह मारो। ए, वो मुनीम 3 महीने तक बात नहीं कर सकता है, अगर वो सही होकर आया तो भी उसे पागल फूल कर पागल खाने भिजवा देंगे। वहाँ भीड़ क्यों लगी है? मुझे क्या पता, चल चल के देखते हैं। अरे हटो प्लीज। ये तो अपना कथा है। हाँ यार, कथा कथा। हमें गोपी राजा। एक मिनट। तुम लोगों को देखा बहुत दिन हो गए, ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है। ये सब क्या है यार, नए नए कपड़े, क्या बात है? मैं सिर्फ राजा नहीं हूँ, इसका डायरेक्टर भी हूँ। डायरेक्टर है? अभी तक स्टोरी नहीं मिली, स्टोरी नहीं मिली, ये सोच के घूमता था। आखिर में एक अच्छी स्टोरी मिल गई। एक प्रोड्यूसर को सुनाई तो ओके बोल दिया और डायरेक्टर बन गया। स्टोरी सोच रहा है, हीरो एक लड़की से प्यार करता है और वो दूसरे से प्यार करती है, इसकी परवाह किए बिना लड़की की खुशी के लिए दोनों की शादी करवाते हैं। हीरो दोनों के परिवार को मनाता है। एक्सक्यूज मी सर, एक रिहर्सल देख लें। जाओ मैं आता हूँ, एक मिनट तुम लोग बैठो। ओके है? जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। जो मैं बोलूंगी वही होगा। देखते हैं। हाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं। इन दोनों चिट्ठियों में से कोई एक उठा लो।
कुछ नहीं है। ये बोल रहे हमारी शादी क्रिश्चियन तरीके से होनी चाहिए और मैं बोल रही हूँ हमारी शादी हिंदू तरीके से होनी चाहिए, यही सब लिखा है इसमें। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाथ मत लगा। चले जा, कौन बाबा है तुम्हारा? चल यहाँ से। लॉरेंस, लॉरेंस। चल अंदर। गाड़ी निकाल। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी को कैसे रखना है? पता नहीं। पढ़ाई के लिए मद्रास भेजा था। प्यार करके आ गई। तेरी बेटी किससे प्यार करती है पता है? हमारे खानदानी दुश्मन मोजेस के लड़के से। उसकी परछाई भी हम पर पड़े तो हम उसे पाप समझते हैं और ये तुम्हारी बेटी उसे शादी करना चाहती है। इसको अच्छे से समझा देना, इस घर का दामाद हिंदू लड़का ही बनेगा। इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी। दूसरों के बाप की तरह मैं नहीं हूँ। उस लड़की से शादी करनी है तो तुझे मेरा घर छोड़ना होगा और मेरी जायदाद में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बात कान खोल कर सुन लो। तुम एक क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी करोगे, इस घर में एक क्रिश्चियन लड़की ही मेरी बहू बनकर आएगी। ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है। ये शादी जरूर होगी। क्या हुआ, मिला क्या? बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिला। रेलवे स्टेशन जाकर ढूंढो, जाओ चलो जल्दी जाओ। पूरे गांव में ढूंढा कहीं नहीं मिले। शाम तक नंदिनी नहीं मिली तो उस मोजेस के परिवार में से कोई नहीं बचना चाहिए। ठीक है। लॉरेंस और नंदिनी कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं। आपके खिलाफ जाकर वो शादी नहीं करेंगे। नंदिनी, Jai Ram 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 Jai Ram
आपने कहा था कि आपको हिंदू दामाद चाहिए, अब आपका दामाद हिंदू है लेकिन लड़की हिंदू नहीं रही। आपने कहा था कि आपके घर की बहू क्रिश्चियन बनेगी, अब आपकी बहू क्रिश्चियन है लेकिन आपका लड़का क्रिश्चियन नहीं रहा। आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए इन दोनों ने अपना धर्म बदल दिया, अब तो इनकी इच्छा पूरी करोगे ना? क्या सोच रहे हो आप लोग? अपनी इच्छा अनुसार आपको दामाद तो मिल गया लेकिन आपकी बेटी ने धर्म बदल दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अब यह लड़की आपकी नहीं रही। भगवान सबको एक समान पैदा करता है, वहां से तो धर्म बन के नहीं आता। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे टीका नहीं लगा होता, ठीक वैसे ही कोई बच्चा क्रिश्चियन बनकर पैदा नहीं होता। तो आप लोग धर्म के नाम पर क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो और कोई कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ाते, इस तरह से लड़ रहे हो आप लोग? आप लोग सोचते हो कि धर्म सबसे बड़ा है लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि इंसानियत बड़ी होती है। इस दुनिया में क्रिश्चियन रिलीजन ना जानने वाले भी लोग हैं, हिंदू रिलीजन को ना जानने वाले बहुत लोग हैं, अल्लाह को ना मानने वाले भी बहुत लोग हैं। क्यों? भगवान नहीं है ऐसा बोलने वाले भी हैं, लेकिन प्यार ना हो ऐसी कोई जगह नहीं। धर्म सिर्फ इंसान ही मानता है लेकिन प्यार तो दुनिया का हर जीव करता है। ये नहीं सुधरेगा ए सदा, तेरे गले में जो है होते तो। और तू अपना मुझे दे। अब मेरा नाम श्री बालाजी। आज से मेरा नाम अमेरिकन जॉर्ज बुश। ये कैसा है, एक घर में दादा भी हिंदू और पोती भी हिंदू, तो सिर्फ तू कैसे क्रिश्चियन हुआ? अभी क्या सोच रहा है? उस दिन के बाद नाराज होने के कारण अपनी बेटी को मैं भी दिल से निकाल दिया था। 25 सालों से उसे देखा तक नहीं। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। इस शादी के लिए तुम मान जाओ प्लीज। एक शादी से अलग हुआ परिवार, दूसरी शादी से एक हो जाए तो अच्छा है ना? मान जाओ।
देखो ना। बात है, कितना खुशी का माहौल है। निर्मला मेरे के माँ बाप आ गए हैं, नाटक खत्म हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। चल तू जाकर टिकट ले ले, मैं अपना बैग पैक करके आता हूँ। ठीक है। लॉरेंस और नंदिनी का दोस्त, ये शादी करवाने के लिए ही राजा ने आपका पोता होने का नाटक किया था। अगर राजा नहीं होता तो शायद हमारे इस दोनों परिवार में इतनी खुशियां कभी नहीं आती। सबको एक कर दिया उसने, कोई भी रिश्ता ना होने के बावजूद हम उसका ये एहसान कैसे चुकाएंगे बताइए। सुनिए जी, यहाँ आइए। तो क्या बोलना चाहती है मैं समझ गया। कहीं से आकर तकलीफ उठाकर हम दोनों परिवारों को मिलाने वाले उस राजा को हम उसे अपना कर अपना बनाकर यहाँ रख लें, यही ना। 50 सालों से हम दोनों एक साथ हैं, तुम्हारी एक एक बात को मैं समझता हूँ। राजा मेरे घर का सदस्य है, मैंने फैसला कर लिया। तू क्या बोलता है? सदस्य बोलने से कुछ नहीं होता है। और क्या करना चाहिए? अपनी पोती निर्मला की शादी उससे कर दो, तब रिश्तेदार बन जाएगा। क्या बोल रहा है? राजा इनका पोता है, तेरी बेटी निर्मला को बता दे, इसका असली नाम निर्मला है ना। प्रिय दर्शनी, कोई भी दर्शनी हो, इनके पोते राजा के साथ शादी मंजूर है क्या? आप खुद ही पूछ लीजिए। बोलो बेटी। मुझे कोई ऐतराज नहीं, पहले उनसे पूछ लीजिए, उससे मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? वो मैं पहले एक लड़की से प्यार करता हूँ। तुम एक लड़की से प्यार करते हो? विश्वास नहीं हो रहा है। कौन है वो बताओ? अभी मैं पिताजी और दादाजी से बात करके तुरंत तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? उसकी शादी हो चुकी है। हाँ शालिनी, सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती। और किसी से प्यार करके उसके साथ उसने शादी कर ली है। उसने तुम्हें छोड़ के किसी और से प्यार किया? सच में वो लड़की बहुत अनलकी है। नहीं नहीं, वो लड़की लकी है, मैं अनलकी हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ ये बात वो लड़की नहीं जानती थी। अगर हम किसी से प्यार करें और वो हमको ना मिले तो वो यादों में रहना चाहिए, यही ना? दरअसल प्यार में किसी की हार जीत नहीं होती, वो तो एक फीलिंग है। वो फीलिंग एक बार हो जाए तो उसे बार बार बदल नहीं सकते हैं। प्यार में हारने वाला किसी दूसरे के साथ शादी करके खुश नहीं रह सकता है ना? रह सकता है, लेकिन वो खुश है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सुनो, प्यार में हार के जीने वाले के दिल से पूछो कि उसके दिल में उसका प्यार है या नहीं। वो अपने प्यार को नहीं भुला सकता और शादी करके खुश भी नहीं रहेगा, ये जरूरी तो है नहीं। 100 साल के बाद भी दिल के किसी कोने में उसको अपने पहले प्यार की याद आती रहेगी। मेरे ख्याल से एक तरफा प्यार करके तुम बहुत दुखी हो। एक पौधे में बहुत से फूल खिलते हैं, एक फूल गिर जाए तो दूसरा नहीं उगता क्या? तुम सही कह रही हो, वो फूल नीचे गिरने के बाद जुड़ नहीं सकता, नहीं जुड़ सकता। प्यार में भी वैसा ही होता है, कुछ लोगों के लिए वो पौधा है, एक गिरा तो दूसरा, और कुछ लोगों के लिए फूल की तरह है, एक बार टूट कर नीचे गिर गया तो वो जुड़ नहीं सकता। मेरा प्यार भी वैसा ही है, मैं अपने प्यार को नहीं भुला सकता। तुम्हारा यही फैसला है? यही, मेरा यही फैसला है। इस फैसले से आपको दुख जरूर होगा, लेकिन इस दुख में ही मेरे लिए सुख है। गुड बाय। मशहूर